does it means? इसका मतलब क्या होता है बच्चों? Safety rules. हमें खुद को सेफ करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है. लाइक नंबर वन, वी कैन सेव आर सेल्स. हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स. हम कुछ रूल्स को अपनाएंगे और अपने आप को सेफ करेंगे. फॉलोइंग रूल्स का क्या मतलब है? सेफ्टी रूल्स को अडॉप्ट करके, उनके ऊपर चलकर उन रूल्स को फॉलो करेंगे और फिर अपने आप को सेफ कर सकते हैं. यू ऑल आर वेरी स्मॉल किड्स, सो यू नीड टू टेक केयर फ्यू थिंग्स एट होम. लाइक एट होम. स्पीक. मैं फिर से बोलूंगी एक बार. एट होम. ए शार्प ऑब्जेक्ट. बेटा यू कैन सी दिस इज शार्प ऑब्जेक्ट, दिस इज शार्प ऑब्जेक्ट, दिस इज शार्प ऑब्जेक्ट एंड दिस इज शार्प ऑब्जेक्ट. दीज आर नॉट टॉयज. ये टॉयज नहीं है. ये क्या है? दीज आर शार्प ऑब्जेक्ट्स. इनमें क्या होता है? पॉइंटेड जो होता है ये ब्लंट होता है, और जब ये ऐसे पिक करेंगे तो ये क्या आएगा? ब्लड आ जाएगा. तो हमें क्या करना है? वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट. कीप अवे. कीप अवे. अपने से उसको दूर रखो. किसको दूर रखो? शार्प ऑब्जेक्ट्स को. आप अगर खुद सीजर यूज करोगे तो आप अपने को हर्ट कर लोगे. तो आप मम्मा की हेल्प से, आपको कुछ कटिंग करना तो मम्मा की हेल्प से कर सकते हो. तो आपको अपने आप उनको यूज नहीं करना. वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स. सेकेंड, इट कैन हर्ट एंड कट यू. इट कैन, ये आपको क्या कर सकते हैं? हर्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं एंड कॉज पेन. फिर क्या होएगा? आपको पेन होगा ना, फिर आपको दर्द होगा. आपको दर्द होगा, पेन होगा. मोर सेफ्टी रूल्स. और भी बहुत सारे सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि यू हैव, यू ऑल आर वेरी स्मॉल एंड यू हैव टू सेव योर सेल्फ. नंबर वन, डोंट प्ले विथ फायर. इट मीन्स डोंट गो नियर द गैस स्टोव. आपको गैस स्टोव के पास नहीं जाना, क्योंकि वहां पर क्या होती है? फायर. और आपको गैस का जो बर्न है उसको टर्न ऑन नहीं करना. इसका मतलब ये है, ठीक है? मैच बॉक्स को नहीं यूज करना. इसका मतलब आपको समझ में आ गया? डोंट प्ले विद फायर. सेकंड, डोंट थ्रो गार्बेज. गार्बेज क्या होता है? कई बार हम गार्डन में बैठते हैं, हम बनाना खाते हैं, उसको पील ऑफ करके उसके छिलके को हम वहीं थ्रो कर देते हैं, तो क्या होता है? गार्बेज. हम चिप्स खाते हैं, उसको अनपैक करते हैं, उसके पैक को वहीं गिर देते हैं, तो उसको वहीं थ्रो कर देते हैं. तो हमें ये नहीं करना. हमें कहाँ थ्रो करना है? गार्बेज में. जो एक डस्टबिन बना होता है, हमें वहां पर थ्रो करना होता है. टचिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. जो बिजली की तारे होती है ना, वायर्स होती हैं, स्विच और प्लग विथ वेट हैंड्स. कभी भी हमें वेट हैंड से इलेक्ट्रिक वायर्स को, स्विचेस को और प्लग्स को टच नहीं करना चाहिए. वेट हैंड्स मतलब गीले हाथ. प्लेइंग ऑन एन ओपन टेरेस. टेरेस क्या होता है? जो घर की छत होती है उस पे कैन बी डेंजरस फॉर अस. अगर हम ओपन टेरेस पे प्ले करते हैं, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज नहीं बनी होती, अगर वहाँ सराउंडिंग्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, तो क्या होगा? आप गिर सकते हो. तो ओपन टेरेस पे प्ले नहीं करते. ये सारे सेफ्टी रूल्स आपको कहाँ देखने होंगे? एट होम, अपने घर पे. अब हम आते हैं, ऑलवेज गो विद एल्डर्स फॉर स्विमिंग. आपको अपने एल्डर्स या पेरेंट्स के साथ स्विमिंग पूल पे जाना है. यू शुड ऑलवेज गो आउटसाइड.
विथ योर पेरेंट्स, हमेशा अपने मम्मी पापा या किसी बड़े के साथ आपको आउटसाइड यानी बाहर जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, होल्ड देयर हैंड्स टाइटली, उनके हाथ को अच्छे से पकड़ना है। इसके ऊपर मेरे पास एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन बाद में। तो होल्ड देयर हैंड्स टाइटली, उनके हाथ को कस के पकड़ना है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप क्राउडेड एरिया में जाते हो, ऑन दैट टाइम वॉक ऑन फुटपाथ, आपको हमेशा फुटपाथ पे चलना है। फुटपाथ कहाँ होता है? जहाँ हमारा रोड होता है उसके साइड में ही क्या होता है, पेडेस्ट्रियन के लिए होता है, उसको फुटपाथ बोलते हैं और हिंदी में पटरी। ऑन फुटपाथ हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। थर्ड, ऑलवेज प्रीफर ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ऑलवेज प्रीफर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब है हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग। देखो बच्चों, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करना चाहिए। कब क्रॉस करना चाहिए? व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड क्रॉस करते हैं, जब हम बाहर जहाँ ट्रैफिक होता है रोड क्रॉस करना होता है, तो हमें कहाँ करना है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। ये क्या है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, आपको समझ में आया हमें कैसे क्रॉस करना है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। ये क्या है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग, देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक लाइट रूल्स। ये ट्रैफिक लाइट रूल्स क्या है भाई? जब हम अपनी गाड़ी लेके बाहर जाते हैं मम्मी पापा के साथ घूमने, वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक लाइट रूल्स। हमें ट्रैफिक, ये लाइट रूल्स हैं क्या, क्या होते हैं ट्रैफिक लाइट रूल्स? जब हम गाड़ी लेके जाते हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट रूल्स का फॉलो करना होता है, रूल्स को। लेट्स लर्न अबाउट इट। इसके बारे में अब हम लर्न करेंगे, सीखेंगे। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम मूविंग कार और बस। हमें कभी भी मूविंग बस और कार से, चलती हुई बस और कार से गेट डाउन यानी उतरना नहीं चाहिए। डोंट पुट योर हेड्स, हमें अपने सर एंड आर्म्स फ्रॉम द बस, हमें अपने हेड और आर्म्स को बाहर विंडो से नहीं निकालना चाहिए। अब मैं आपको ट्रैफिक लाइट्स जो के जो रूल्स हैं वो बताऊंगा। वी विल लर्न अबाउट ट्रैफिक लाइट रूल्स। ओके, रेड लाइट सेज स्टॉप। जब हम जाते हैं मम्मी पापा के साथ गाड़ी में, तो वहाँ एक पुलिसमैन होता है, ट्रैफिक पुलिसमैन, वो क्या करता है? स्टॉप, ताकि अदर गाड़ीज जो है वो निकल जाएं, अदर कार्स बाइक सब निकल जाए और ट्रैफिक जाम ना हो। तो वो क्या कर देता है? रेड लाइट से स्टॉप। उसके बाद फिर येलो लाइट। येलो लाइट को क्या बोलता है वो? वेट। आप वेट करो अभी, सेकंड जगह से जो दूसरी जगह है वहां से वो जाम क्लियर करता है। जब आप मम्मी पापा के साथ घूमने जाओगे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तब आप ध्यान से ऑब्जर्व करना प्रैक्टिकली कि कौन ये सब कर रहा है। और जो है ट्रैफिक एक जगह से क्लियर होता है तो इसीलिए स्टॉप किया जाता है, ट्रैफिक लाइट रूल्स इसीलिए होते हैं। जब आप मम्मी पापा के साथ जाओगे तो जहाँ पर ट्रैफिक लाइट होगी आप ध्यान से देखना वहाँ ट्रैफिक पुलिस किस तरह से सारे ट्रैफिक को मैनेज करता है, और इन रूल्स को फॉलो करने से ही सारा ट्रैफिक मैनेज होता है और कहीं जाम नहीं लगता। देन वेट, वो क्या बोलता है? येलो लाइट सेज वेट। ठीक है, थर्ड, अब ग्रीन लाइट आती है। ग्रीन लाइट सेज गो अहेड। ग्रीन लाइट क्या बोलती है? गो अहेड। और जब रेड लाइट स्टॉप बोलती है तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जाते हैं, और जब ग्रीन लाइट होती है, गो अहेड होता है, तो हम गाड़ी को ले जा सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। गो अहेड, देखो इसका मतलब है अपनी गाड़ी को आगे ले जाओ, गो अहेड। और नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फर्स्ट एड। अब मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में बताने जा रही हूँ। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड द फर्स्ट मेडिकल हेल्प, ये होती है फर्स्ट मेडिकल हेल्प। मान लो कि आपको कहीं हर्ट हो जाता है, आपको कहीं यहाँ पर आपने
जब आप क्लास में बैठते हो, बैठे बैठे आप क्या करते हो, आप यहाँ पे पेंसिल पिन कर लेते हो, और क्या होता है फिर मैम से कहते हो मैम चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से बोलते हो ना, तो क्या करती है मैम, फटाफट मेडिकल रूम में आपको भेजती है। फिर आपको क्या मिलता है, फर्स्ट एड। वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है, तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, डिटॉल, बैंडेज, एंटीबायोटिक लोशन, सीजर। आपको पहले क्या करते हैं, डिटॉल से साफ कर देते हैं उसको, फिर बैंडेज लगा देते हैं छोटी मोटी चोट होती है तो, और एक सीजर भी होता है ताकि आपको बैंडेज को कट करके। एंटीबायोटिक लोशन, देखो ये वाइट कलर का बॉक्स होता है और एक डॉक्टर का साइन होता है रेड कलर का इस पर, तो ये क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स। आपके पास 2 डेज का टाइम है, आप इस फर्स्ट एड बॉक्स को बना सकते हो घर पे भी। फर्स्ट एड का मीन क्या होता है, द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिव टू अ पर्सन, एक ऐसे इंसान को देना इन नीड, जिसको इसकी ज़रूरत है। बाई चांस आप बाइसिकल से गिर जाते हो, स्टेयर से गिर जाते हो, तो सबसे पहले आपको क्या किया जाता है, फर्स्ट एड दिया जाता है। तो आप लोगों को मैं होप करती हूँ कि लेसन अच्छे से समझ में आया होगा पूरा, और आप इन चीज़ों का घर पे भी, रोड पे भी, मम्मा पापा के साथ जाते हुए भी टेक केयर करोगे, इस लेसन को रीड करोगे, रिवाइज करोगे, और मुझे रिवर्ट बैक यानी फीडबैक दोगे कि आपको ये कैसा लगा। जैसे मैम आपको स्टार देती है, आप एक लाइक दोगे मुझे अपनी मेरी वीडियो पे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के